Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Taufik Patel from Palghar, Maharashtra, Bartha College. Your problem matrix ki hai. Find the value of K for which the following system of equations is consistent. Hame K ki value find karna hai jabki ye सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमें दे रखा है यानी कई इक्वेशंस हैं इनका पूरा कंप्लीट ये अगर कंसिस्टेंट होंगे तो यानी इनका कोई सॉल्यूशन होगा तब के की वैल्यू हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स बार में चेंज कर देंगे. चेंजिंग गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स बार में चेंज करेंगे तो सबसे पहले होती है यहाँ पर लिखते हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स. इसमें थ्री ऑर्डर की आएगी क्योंकि तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही यहाँ पर अननोन है. x1 x2 x3 तीन अननोन है, यहाँ पर थ्री अननोन है तो इनके कोफिशिएंट देखने हैं 3, 1 और 4. ये x1 का कोफिशिएंट है 3, 1, 4 और x2 का कोएफिशिएंट है -2k और यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 होता है. और इसी तरीके x3 का कोएफिशिएंट है 2 -3 और x3 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो इसमें k की वैल्यू हमको फाइंड करना होगी. अब जबकि जो वेरिएबल होते हैं अगर हम मैट्रिक्स फार में चेंज कर रहे हैं तो ये वेरिएबल होते हैं यानी सॉरी वेरिएबल नहीं कहना चाहिए हम अननोन हैं उनको यहाँ पर कॉलम वाइज लिखते हैं x1 x2 x3. ये हमने कॉलम में लिख दिए. इनका आपस में ये प्रोडक्ट करते हैं तो ये वैल्यू मिलेगी जो राइट हैंड साइड में है मींस 3, 0 और 7. तो ये मैट्रिक्स जो पहले लिखी होती कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसको तो हम यूजुअली ए से डिनोट करते हैं और इस मैट्रिक्स को बी से डिनोट करते हैं. इसी से हम बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग ए बी से डिनोट करेंगे. पार्टीशन होगा बीच में जो यहाँ पर हम डिनोट कर देंगे क्योंकि इसी से फिर हमें जो है वो के की वैल्यू फाइंड करना होगी. द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए ए पार्टीशन बी इस तरीके से लिखेंगे और एक मैट्रिक्स होगी ये. इसमें ए का मतलब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको लिख डालिए पूरा 3, 1, 4 ये कॉलम वाइज हैं. सेकंड कॉलम है -2k और 1 और थर्ड कॉलम है 2 -3 और 2. उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन कर दिया जाएगा और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है 3, 0, 7 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3, 0 और 7. अब हम इस मैट्रिक्स को एक्लॉन फार्म में चेंज करेंगे और यहाँ पर हम रो में ही ऑपरेशन कर सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व करें रो में कर सकते हैं. तो एक्लॉन फार्म में सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बंद बनाना होता है तो बंद बनाने के लिए अगर हम इंटरचेंज कर दें रो को तो कर सकते हैं R1 को R2 से इंटरचेंज कर देंगे तो 1 यहाँ पर बन जाएगा. इस मैट्रिक्स को मैं एक्लॉन फार्म में बदल के इनकी रैंक के बीच में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा जो हम बाद में बताएंगे. तो चूंकि ये ऑपरेशन कर दिया तो ये मैट्रिक्स होती है तो इसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो अब ये इक्वल नहीं होगी. इक्विवेलेंट इसको हम देखेंगे. इक्विवेलेंट का साइन इस तरीके से होता है लेकिन इसमें रैंक दोनों मैट्रिक्स की इक्वल ही रहेगी. तो हमने इसको इस रो यानी सेकेंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया है 1k -3 0. ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया और जो फर्स्ट वाला था वो सेकंड पर हमने लिख दिया है क्योंकि इस ऑपरेशन को जो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है वो हमने कर दिया. ये एलिमेंट्री ऑपरेशन इसके अलावा और भी ऑपरेशन होते हैं वो एलिमेंट्री ऑपरेशन है. इन और एलिमेंट्री ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन ये भी है और भी ऐसे होते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम आगे भी इसको अप्लाई करेंगे. तो अब बन के बाद यहाँ पर हमें ज़ीरो बनाना होता है तो इसमें हम एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे सेकंड रो में
सेकंड रो में से माइनस कर दें आर वन को, फर्स्ट रो को, लेकिन थ्री से मल्टीप्लाई करते हुए, क्यों थ्री से जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा और थ्री में से थ्री माइनस हो गया तभी ज़ीरो आ पाएगा। ऐसे हम थर्ड वाले रो में भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करें, ये थर्ड वाले रो में से माइनस कर दें आर वन को, लेकिन इसमें फोर से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। तो ए बी जो मैट्रिक्स हमारी चल रही है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू आ जाएगा, फर्स्ट रो में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, फर्स्ट रो तो को तो एज इट नोट कर देंगे, वन के माइनस थ्री और ज़ीरो, जो चेंज आएगा वो सेकंड रो और थर्ड रो में आएगा। और हमने यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई किया, जब सब में थ्री से मल्टीप्लाई मान लें आप, और इसको इस वाले रो में से माइनस करेंगे, थ्री में से थ्री माइनस होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, थ्री के ये बन गया जब, और इस माइनस टू में से जब माइनस करेंगे ये थ्री के, तो माइनस टू माइनस थ्री के हो जाएगा, और यहाँ पर जब थ्री से इंटू कर दिया तो माइनस नाइन हो गया, टू में से माइनस का जब माइनस नाइन कटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नाइन और टू नाइन हो जाएगा, इलेवन हो जाएगा, और ज़ीरो में थ्री से इंटू करेंगे ज़ीरो ही रहेगा, थ्री में से माइनस करेंगे वो ये थ्री के इक्वल ही रहेगा, यहाँ तो पार्टीशन चल ही रहा है। अब ये ऐसे ही ऑपरेशन हम थर्ड रो में करने वाले हैं, यानी इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर लीजिए हर एक एलिमेंट में, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये एलिमेंट ज़ीरो आ जाएगा, फोर से मल्टीप्लाई किया फोर के बन गया, वन में से माइनस करेंगे फोर के को, ऐसे यहाँ पर फोर से इंटू किया ट्वेल्व बन गया, और टू में से माइनस ट्वेल्व माइनस करेंगे, माइनस का ट्वेल्व माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वेल्व, यानी फोर्टीन हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें चूँकि ज़ीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेवन ही रहेगा। अब वन और उसके नीचे हमने ज़ीरो ज़ीरो बना लिए, अब यहाँ पर हमको बनाना होगा, ज़ीरो बनाने की हम कोशिश करेंगे, और फिर देखना होगा कि ये रैंक जो है वो क्योंकि हमें बताना है कि ये सिस्टम जो है ये दिया गया है, सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो इसमें के की वैल्यू क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि सिस्टम तभी कंसिस्टेंट होगा जब दो कंडीशन हो, एक तो ये जो रैंक है ए की वो ए बी की रैंक के इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो, तभी हम कहेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ए मीन्स ये और ए बी मीन्स ये टोटल, तो हम इस टोटल को अगर देखें तो इसमें हम कुछ भी ऑपरेशन कर लें, इन रो को तीन रो को ज़ीरो नहीं बना सकते, तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट सिस्टम दो तरह से होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आप ये तो इक्वल होगा ही, साथ साथ नंबर ऑफ अननोन के भी इक्वल होगा, जो नंबर अननोन जो है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हैं, तीन हैं, तो इसकी रैंक थ्री के इक्वल होगी। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में ये रैंक तो इक्वल होगी लेकिन लेस देन होगी थ्री के, लेकिन वो कंडीशन यहाँ पर हमें बनती नज़र नहीं आ रही है कि ये रैंक चूँकि अननोन थ्री हैं तो टू रैंक इसकी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि दो रैंक होने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट रो तो आप किसी भी तरीके से ज़ीरो नहीं बना पाएंगे, इनको ज़ीरो अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, माना कि ये ज़ीरो बना दिया तो फिर ये ज़ीरो नहीं हो पाएगा, के की ऐसी वैल्यू है, और इसलिए ना ही ये ज़ीरो बना सकते हैं, तो एक साथ ये ज़ीरो कोई भी नहीं बन रहे, तो ये तभी पॉसिबल है, यानी कंसिस्टेंट होंगे तो रैंक जो होंगी दोनों की आपस में बराबर होगी, और ये रैंक जो होगी वो थ्री के इक्वल होगी, और थ्री के इक्वल होगी क्योंकि तीन ही इसमें मैक्सिमम, क्योंकि ये मैट्रिक्स को देखें हम, वो अगर हम पूरे ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखें तो थ्री रो हैं और फोर कॉलम हैं, और इसमें जो छोटा होता है उसी के बराबर इसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक थ्री है, यानी इसकी थ्री हो सकती है, थ्री से कम भी हो सकती है लेकिन थ्री होगी, हो सकती है, इससे ज़्यादा थ्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक चीज़ तो ये, और एक की रैंक जो है वो थ्री से कम भी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट सिस्टम होने के लिए ज़रूरी है कि ए की रैंक ए बी के बराबर हो, तो इसकी रैंक यानी थ्री या थ्री से
फिर कम हो सकती है अगर कंसिस्टेंट है तो सिस्टम अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनकी रैंक आपस में बराबर होगी और उसकी रैंक 3 या 3 से कम होगी। अब इसी को लेके हमें अपने के की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो हम बात करें अगर कि ए रैंक ऑफ ए बी यानी पूरी की रैंक अगर देखें तो ये तीनों रो ऐसे हैं जिनको हम ज़ीरो नहीं बना सकते, तो इसकी रैंक जो है वो 3 के बराबर पता चल रही है। तो उससे हम और रिज़ल्ट लगाएं क्योंकि क्लियरली ए बी की जो रैंक है वो 3 के इक्वल है, तो इसलिए चूँकि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसलिए ए की जो रैंक होगी वो भी 3 के इक्वल होगी। क्योंकि इस ए बी की रैंक 3 के इक्वल इसलिए है क्योंकि हम कुछ भी कोशिश कर लें हम इनको मतलब के की वैल्यू तो ऐसे रखी जा सकती है कि यहाँ पर ज़ीरो हो जाए, उसमें भी एक कोई ज़ीरो हो जाएगा, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। और फिर हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो ये दोनों रो कम्प्लीटली हर एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं बना पाएंगे। क्लियरली कोई भी ऑपरेशन करके देखें, माना कि आप इसमें 7 से 2 कर दें, इसमें 3 से और फिर माइनस करके यहाँ ज़ीरो बना लें, लेकिन फिर ये ज़ीरो नहीं होने वाला, ये ज़ीरो नहीं होने वाला। तो रैंक ऑफ ए बी क्लियरली यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्लियरली 3 है, तो इस ए की रैंक भी 3 होगी। इसका मतलब ए की रैंक अगर 3 होगी तो जो यहाँ पर ए का जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर ए इतना है यहाँ पर पार्टीशन से, तो उसका अगर हम डिटर्मिनेंट चाहे तो हम यहाँ से निकाल लें तो ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, तो ए का यानी जो अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे यानी सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि जो ऑर्डर होगा यानी सॉरी रो होगा 3 रोट माइनर होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रैंक 3 होगी। और ए का जो ऑर्डर है ए का जो मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा वो 3 रो का मिलेगा क्योंकि 3 ही रो हैं, इसमें 3 ही कॉलम हैं और इसलिए ये पूरा ए है और इसलिए ए की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें अगर 3 रो ऐसे हैं, ए की रैंक 3 का मतलब यह है कि 3 रो ऐसे हैं जिनको कम्प्लीटली हम 0 नहीं कर सकते, तो उसका मतलब जो हम उसका मॉडुलस लेंगे तो वो 0 नहीं होगा। ये रैंक की डेफिनेशन से है, मतलब अगर आपको रैंक की डेफिनेशन क्लियर है तो फिर हम इस स्टेप में जाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए के ऑर्डर जो है वो 3 है, ऑर्डर मतलब इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो हम चाहे तो इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको भी देके के की वैल्यू को बता सकते हैं कि ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी थी शुरुआत में वो ज़्यादा बेहतर हमें लगता है, लिख लेते हैं। तो 3 माइनस 2 और 1k यानी ये जो k की वैल्यू है निगेशन में आएगी यानी इतनी नहीं हो सकती बाकी कुछ भी हो, तो ये इसको डज नॉट इक्वल टू 0 करके k की वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेंड कर दीजिए यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ R1, तो R1 के 3 टर्म हैं, तो फर्स्ट टर्म 3 है, इससे जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो बचेगा उसको हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख देंगे k माइनस का 3 1 2, और फिर इसके बाद में होता है माइनस का साइन और इसकी वैल्यू है माइनस का टू से यानी रो और कॉलम को छुपा लेंगे, जो बचता हुआ दिख रहा है आपको उसको अलग डिटर्मिनेंट टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, फिर 2 × 2 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, बाकी दिख रहा है इतना उसको सेकेंड ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है उसमें लिख देंगे, डज नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, ऊपर से जो चल रहा है वही लिखा है यहाँ पर। इस सेकेंड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उसे सॉल्व करेंगे, इसका इनटू करेंगे तो 2k माइनस का साइन होता है इसका इनटू इसमें माइनस इसका, और लेकिन इसका साइन ऑलरेडी माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 और माइनस का ये वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस के प्लस का 2 × आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये माइनस का 4k डज नॉट इक्वल टू 0। इस कैलकुलेशन को जो कि हमने थोड़ा डिटेल में कर दिया है, 2k प्लस का 3 और प्लस का 2 और ये प्लस का हो जाएगा 2 प्लस का 12 और प्लस
इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 माइनस का 8k डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6k प्लस का 9 और प्लस का ये हो जाएगा 14, और 14 ट्वाइस हो जाएगा 14 टू जा 28, प्लस का 2 माइनस का 8k डज नॉट इक्वल टू 0। अब k को कलेक्ट करें तो ये माइनस प्लस के हैं तो बचेगा माइनस का बचेगा 2k, क्योंकि 8k माइनस के हैं और प्लस के 6k ही हैं, और बाकी तो ऐड हो जाएंगे, ये 30 हो जाएगा और 9 ये 39 हो जाएंगे, डज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से हम k को अगर ट्रांसपोज करके उधर ले जाएं तो 39 डज नॉट इक्वल टू 2k हो जाएगा, और k की वैल्यू निकालेंगे तो 39/2 के इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी k की वैल्यू अगर 39/2 के इक्वल नहीं है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, यानी इसका सॉल्यूशन होगा। अगर k की वैल्यू इतनी हो जाती है यानी 39/2 के k के इक्वल, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी सॉल्यूशन तो दो तरह का होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं, एक तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और दूसरा यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें बताना था कि k की वैल्यू कितनी होगी, यानी इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख दी जाएगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, के डज नॉट इक्वल टू 39/2। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी बमा अलैना इल्लल बलाग।